नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार, रैपिड हेडलाइंस न्यूज। 48 बोतल कप सिरप और 53 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ दो व्यक्ति गिरफ्तार। मिथुन चक्रवर्ती ने निदेशक मृणाल सेन को दी श्रद्धांजलि, कहा मृणाल दा मेरे लिए पिता समान थे। सिलीगुड़ी में युवती की रहस्यमय मौत, धोखा देने का आरोप में प्रेमी नामजद। कमरे की सीलिंग पर चढ़ा 15 फीट लंबा एक किंग कोबरा, पर्यावरण प्रेमी संगठन ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। मुख्यमंत्री को आचार्य बनाने व विश्वविद्यालय में अस्थाई कुलपति की नियुक्ति की मांग में एनबीयू में प्रदर्शन। 48 बोतल कप सिरप और 53 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ दो व्यक्ति गिरफ्तार। 48 बोतल कप सिरप और 53 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मालूम हो कि आरोपियों के नाम हमीरुल शेख और अभिराज सिंह है। ये दोनों मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। प्रधान नगर पुलिस ने इन्हें दगापुर से 48 बोतल कप सिरप और 53 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। उन्हें आज अदालत में लाया गया। मिथुन चक्रवर्ती ने निदेशक मृणाल सेन को दी श्रद्धांजलि, कहा मृणाल दा मेरे लिए पिता समान थे। निदेशक मृणाल सेन के कोलकाता स्कॉटिश चर्च कॉलेजिएट स्कूल में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। कॉलेज के पूर्व छात्र मिथुन चक्रवर्ती निदेशक को श्रद्धांजलि देने के लिए कॉलेज में मौजूद थे। मिथुन चक्रवर्ती ने प्रार्थना में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मिथुन कहते हैं कि मैं मृणाल दा को श्रद्धांजलि देने यहां आया हूं। मिथुन ने पुरानी यादों में खोते हुए कहा कि मृणाल दा मेरे लिए पिता समान है। यहां पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई है। शैक्षणिक संस्थानों की राजनीति को लेकर मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, अगर समाज को तोड़ना है तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को खत्म करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन समाज नहीं होगा शिक्षा नहीं होगी, और शिक्षा होगी तो समाज होगा। सिलीगुड़ी में युवती की रहस्यमय मौत, धोखा देने का आरोप में प्रेमी नामजद। प्यार में मिले धोखे से आहत होकर एक युवती ने आत्महत्या कर लिया। घटना उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से सटे सुश्रुत नगर इलाके में हुई। मालूम हो कि मृत युवती का नाम स्नेहा साहा, उम्र 19 वर्षीय है। मालूम हो कि वो सिलीगुड़ी के रथखोला इलाके के रहने वाले रोहित साहा नामक एक युवक के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध में थी। उनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन कुछ दिन पहले युवक ने युवती से ब्रेकअप कर लिया। घटना से आहत उस युवती ने आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कमरे की सीलिंग पर चढ़ा 15 फीट लंबा एक किंग कोबरा, पर्यावरण प्रेमी संगठन ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। 15 फीट लंबा एक किंग कोबरा कमरे की सीलिंग पर चढ़ गया। वन विभाग और मैनागुड़ी पर्यावरण प्रेमी संगठन की एक विशेष टीम ने जाकर सांप को बचाया। बाद में जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी रोड पर्यावरण प्रेमी संगठन की विशेष टीम ने जाकर एक घंटे की मशक्कत के बाद सांप को बचाया। मालूम हो कि बीरपाड़ा दलगांव रेंज के पास एक व्यक्ति के रूम में रात में करीब 15 फीट का किंग कोबरा सांप घुस गया। घटना की जानकारी मिलने पर दलगांव रेंज की ओर से मैनागुड़ी रोड एनवायरमेंट लवर्स ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया। मैनागुड़ी के पीपीएस ने पहुंचकर करीब एक घंटे के मशक्कत के बाद सांप को बचाया और वन विभाग को सौंप दिया। बताया गया है कि सांप को वन विभाग ने जंगल में छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री को आचार्य बनाने व विश्वविद्यालय में अस्थाई कुलपति की नियुक्ति की मांग में एनबीयू में प्रदर्शन। मुख्यमंत्री को आचार्य बनाने की मांग और राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अराजकता का आरोप लगाते हुए तृणमूल छात्र परिषद उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इस विरोध प्रदर्शन में तृणमूल छात्र परिषद के प्रदेश अध्यक्ष त्रिनानकुर भट्टाचार्य मौजूद थे। त्रिनानकुर भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में अराजकता का माहौल है, विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपति नहीं है, इसलिए ये विरोध कार्यक्रम उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय से शुरू हुआ है और विभिन्न विश्वविद्यालयों में भी जारी रहेगा। उन्होंने हर विश्वविद्यालयों में अस्थायी कुलपति की नियुक्ति की मांग की। साथ ही मांग उठी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आचार्य बनाया जाना चाहिए।